हेलो गाइस, आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पूरा एक सेमेस्टर निकल चुका है नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि मैं MS इन बिज़नेस एनालिटिक्स परस्यू कर रहा हूँ और मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा गया मेरा एक सेमेस्टर। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि एक बिज़नेस एनालिटिक्स के करिकुलम में क्या होता है। सो बिज़नेस एनालिटिक्स इज़ अ फास्ट पेस्ड कोर्स एट एवरी यूनिवर्सिटी, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में ये कोर्स 12 मंथ्स और 16 मंथ्स का है। यू हैव टू ऑप्शंस, 12 मंथ्स और 16 मंथ्स। बाकी यूनिवर्सिटी में इट्स अराउंड 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, नॉट मोर देन 15-16 मंथ्स। बहुत ही दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये कोर्स 2 साल का भी है, बट मोस्टली इट्स बिटवीन 1 ईयर एंड 1.5 ईयर्स। सो मेरा ये कोर्स 16 मंथ्स का है और ये 16 मंथ्स 30 क्रेडिट्स में डिवाइड हुए हुए हैं। वी हैव 3 सेमेस्टर्स। सो एक हो चुका है ऑलरेडी जो कि सितंबर टू दिसंबर था, फिर एक अभी होगा जो कि स्प्रिंग सेमेस्टर होता है विच इज़ जनवरी टू अप्रैल, फिर मई टू अगस्त इज़ समर सेमेस्टर जिसमें हमें इंटर्नशिप करनी होती है। वी कांट टेक एनी सब्जेक्ट्स इन दैट। उसके बाद आएगा सितंबर टू दिसंबर जो कि लास्ट सेमेस्टर है, दैट इज़ अगेन अ फॉल सेमेस्टर। सो जो सेमेस्टर अभी हुआ है उसमें मेरे 4 सब्जेक्ट्स थे, इंक्लूडिंग अ सब्जेक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन कोऑप, विच इज़ अ करियर मैनेजमेंट कोर्स जिसमें ये बताते हैं कि कैसे कोऑप आपको लेनी है, रिज्यूमे बिल्डिंग, कवर लेटर बिल्डिंग, इंटरव्यू स्किल्स एंड ऑल ऑफ दैट, जिसके 0 क्रेडिट्स हैं। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो थे इंट्रो टू बिजनेस एनालिटिक्स, सेकंड फाउंडेशंस ऑफ डेटा एनालिसिस, थर्ड डेटा रैंगलिंग फॉर बिजनेस। सो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट था इंट्रो टू बिजनेस एनालिटिक्स वो था पूरा थ्योरी। उसमें ये बताते हैं कि हाउ बिजनेस इंसाइट्स कैन हेल्प अ कंपनी, हाउ वैल्यू चेन हेल्प्स इन अ कंपनी, जितनी भी थ्योरी होती है बिजनेस से रिलेटेड, जो भी आप कह सकते हैं कि MBA में अगर कोई इंट्रोडक्शन वाला कोर्स है तो उसमें वो सब बताएंगे। मशीन लर्निंग की थ्योरी, डीप लर्निंग की थ्योरी, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स ऑल थ्योरी। असाइनमेंट्स भी थ्योरी, एग्जाम्स भी थ्योरी, एवरीथिंग इज थ्योरी। सेकेंड सब्जेक्ट आता है फाउंडेशंस ऑफ डेटा एनालिसिस जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल कोर्स है, मैथमेटिकल कोर्स अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रामिंग इन आर लैंग्वेज। तो उसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स लाइक मीन, मोड, मीडियन एंड ऑल ऑफ दैट वो पढ़ाया जाता है। फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें सैम्पल वेरिएंस और टेस्टिंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब आता है। तो ये सब आपको एक मैथ्स के सब्जेक्ट की जैसे लगेगा क्योंकि आपको इसको थियोरिटिकली और मैथमेटिकल फार्मूला से सॉल्व करने होंगे इसके क्वेश्चंस, और यू कैन सॉल्व देम इन एक्सेल एज वेल एज इन आर लैंग्वेज। और जो थर्ड सब्जेक्ट था वो था डेटा रैंगलिंग फॉर बिजनेस जिसमें हमें पाइथन से इंट्रोड्यूस किया जो कि पूरा एक टेक्निकल कोर्स है। पाइथन में पैंडास लाइब्रेरी में हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है इसमें, और थोड़ा बहुत SQL, और जो पूरा आपने डेटा को रैंगल किया, प्री प्रोसेसिंग किया, फॉर्मेटिंग किया, उसके बाद जो विजुअलाइजेशन होता है वो आपको, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट इन एक्सेल और इन टैबलू इफ़ यू नो। सो ये 3 सब्जेक्ट्स थे मेरे सेमेस्टर एक्सक्लूडिंग द 1 कोर्स विच इज़ करियर मैनेजमेंट कोर्स। सो टोटल 4 सब्जेक्ट थे। अब असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम का ये सिस्टम है कि ये टोटली प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो असाइनमेंट लेगा, एग्ज़ाम लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, कौन सी क्विज लेगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर। सो मेरे केस में मेरा सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम एक ही सब्जेक्ट का था जो कि था फाउंडेशंस ऑफ डेटा एनालिसिस, बाकी दोनों के प्रोजेक्ट्स थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की, तो नेक्स्ट सेमेस्टर मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि टोटल क्रेडिट हो जाएंगे 12 क्रेडिट। अभी मैंने टोटल 9 क्रेडिट्स कंप्लीट किए हैं, तो 9 + 12 21, और 9 और बचेंगे जो कि लास्ट सेमेस्टर में होंगे। सो टोटल 30 क्रेडिट्स विल बी डन इन 3 सेमेस्टर्स। सो ये था मेरा
सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर. फर्स्ट सेमेस्टर वॉज प्रेटी स्मूथ, ऑल्दो माई फाउंडेशंस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड डेटा रैंगलिंग वेंट वेरी वेल. दोज आर टेक्निकल, मेरे को था कि टेक्निकल में थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम आएगी, बट बिल्कुल नहीं आई. द वे द असाइनमेंट लेवल इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, और अगर आप खुद से असाइनमेंट्स करते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है वो फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए भी, इंटरव्यूज़ के लिए भी, और फॉर योर स्किल्स ऑल्सो. सो माई एडवाइस विल बी टू सॉल्व योर ओन असाइनमेंट्स ईच एंड एवरी टाइम, क्योंकि यहाँ पे प्लेजरिज्म का भी बहुत केस होता है. स्टूडेंट्स बहुत अपने 50-70% ऑफ द मार्क्स लूज कर देते हैं अगर वो प्लेजरिज्म में पकड़े जाते हैं. तो ऐसा था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स एंड आई रियली एंजॉयड इट. थैंक यू.